देखिए, जनपद अलीगढ़ में एक नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में SOG के माध्यम से एक सूचना मिली थी और इसी पर जो है थाना क्वारसी में कयामपुर मोड़ पर एक कंटेनर पकड़ा गया है जिसमें कि 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, संदेश, मनोज, शिशुपाल, लोकेश और रिंकू। विपिन नाम का एक व्यक्ति फरार हो गया है जो मुख्य व्यक्ति है इसमें। ये उड़ीसा से सामान लाते थे और यहाँ रिटेलर्स के माध्यम से उसे जो है बेचा करते थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये करीब 2,500 रुपये किलो लेकर आते थे और उसे तकरीबन दुगने दामों पर 4,500 रुपये में बेचा करते थे। गजेंद्र जो कि विपिन का रिश्तेदार है उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और उसके लिए उसकी अपनी रेट फिक्स थी और लोकेश, शिशुपाल, विपिन ये आपस में जो हिस्सा बांट लेते थे और सामान लाने के लिए जो मुख्य रूप से पैसे लगाया करते थे। इसमें 3 व्यक्ति जो है सामान लाने के लिए गए थे, संदेश, मनोज और रिंकू। संदेश और मनोज इसमें ड्राइवर हैं जिसमें कि मनोज संविदा कर्मी हैं और इन्हें जो है कुछ पैसे सामान लाने के लिए बेसिकली दे दिए जाते थे। विपिन और गजेंद्र फिलहाल वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर कितने दिन से ये काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? देखिए, इसमें विपिन शासनी का रहने वाला है और गजेंद्र उसका बहनोई है जो थाना टप्पल क्षेत्र का रहने वाला है और ये मुख्य हैं। बाकी व्यक्तियों का संपर्क भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। लोकेश और शिशुपाल शासनी गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें फिलहाल हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार ये काम किया है, बट इसमें जैसे लोकेश से बात की गई उसका कहना है कि मैं पिछले 3-4 महीने से संपर्क में था, बट इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसको जो है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से अभी करीब 9 क्विंटल 40 किलोग्राम नशीला गांजा बरामद हुआ है और एक नागालैंड की नंबर प्लेट बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों से इनके द्वारा जो इन्होंने तस्करी करना बताया। कितने की कीमत का होगा ये लगभग मार्केट में? देखिए, इनके हिसाब से इनका कहना है कि ये 2,500 रुपये किलो लाते थे और 4,500 रुपये पर बेचते थे, तो 9 क्विंटल और करीब 40 किलो का है ये सामान जो बरामद। ये सर कितने लोग हैं टोटल? देखिए, इसमें 5 व्यक्तियों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और 2 व्यक्ति वांछित हैं। इसके अलावा जिनके विषय में इन्होंने बताया है, जिनको ये अलीगढ़ में सप्लाई करते थे, उनके विषय में भी इसमें जो है टीमें लगी हुई हैं और उनके विषय में उड़ीसा से लाते थे और यहाँ पर रिटेलर्स के माध्यम से जो है बेचते थे। उसे कोई रैकेट चलता है इन लोगों का क्या? इसके विषय में जानकारी की जा रही है, जो भी डिटेल्स इनसे जो प्राप्त होती हैं इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।